आज के इस वीडियो में बात करते हैं काली म्योर की। काली म्योर ये चौथा वीडियो है काली म्योर के बारे में। इसके पहले और हम लोग तीन वीडियो देख चुके हैं, तो उन तीन वीडियो का सार अगर एक लाइन में कहा जाए तो इस तरह से है कि जो काली म्योर है पोटेशियम क्लोराइड है, अगर इसका कंसेंट्रेशन इपिडर्मिस और डर्मिस में अगर कम हो जाएगा तो डिस्चार्ज आने लगेगा, व्हाइट ग्रे कलर का डिस्चार्ज आता है। तो प्राइम इंडिकेशन है, अगर किसी को भी व्हाइट ग्रे डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि उनकी दवा काली म्योर हो सकती है, बशर्ते सिम्टम्स मैच करें। तो पूरी बात समझने के लिए तीन वीडियो जो पहले वाले हैं आप उनको भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सिस्टाइटिस की। सिस्टाइटिस यानी जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें सूजन हो जाए, या फिर किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाए, या फिर आर्काइटिस हो जाए जो अंडकोश हैं उसमें सूजन आ जाए, या फिर अल्सर बन जाए आस या फिर सर्विक्स में। आस और सर्विक्स जो है महिलाओं की जो वेजाइना होती है ना उसके आगे वाले पोर्शन को आस या फिर सर्विक्स बोलते हैं। तो इन सब पर जो सिम्टम्स आते हैं, जो लक्षण आते हैं, पहले उसकी बात करते हैं, फिर ये बात करते हैं कि क्यों आते हैं और फाइनली उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है, सब कुछ बात समझ में आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे सिस्टाइटिस लिखा है। सिस्टाइटिस मीन्स जो पेशाब की थैली है उसमें सूजन आ जाए। अगर सूजन आ जाती है तो हो क्या सकता है कि पेशाब करते समय, करने के बाद या फिर करने के पहले जलन हो, थोड़ी देर में पेशाब लगती हो, बूंद बूंद पेशाब आती है, तो ये सब इंडिकेशन है कि सिस्टाइटिस है। दूसरी जो है किडनी का इन्फ्लेमेशन हो जाए। किडनी का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो जो यूरिन पास होगा थोड़ी देर बाद वो डार्क या ग्रे कलर का हो जाएगा और स्मेल ढेर सारी आएगी। इसका मतलब कि यूरिक एसिड पास हो रहा है, और यूरिक एसिड पास हो रहा है और उसके बाद वो डिकम्पोज कर जा रहा है। और आर्काइटिस क्या है? आर्काइटिस मतलब जो अंडकोश हैं उसमें इन्फ्लेमेशन है, उसमें सूजन है, और जो महिलाओं की जो वेजाइना होती है उसके आगे वाले पोर्शन को आस और सर्विक्स बोलते हैं। तो अगर उसमें इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो दिक्कत क्या आ सकती है कि सेक्स करने के बाद दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है। तो इस तरह के कॉमन सिम्टम्स हैं। तो देखिए जो सिस्टाइटिस हो, चाहे किडनी इन्फ्लेमेशन हो, चाहे आर्काइटिस हो या फिर अल्सर हो आस में या फिर सर्विक्स में, उसके लिए बेहतरीन तरीके से काम करती है काली म्योर। कुछ लोग ट्रीटमेंट लेते रहते हैं सिस्टाइटिस का, काफी दिनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाता। ठीक नहीं हो पाता उसका कारण क्या है कि सप्रेशन ऑफ सिफिलिस गनोरिया और मम्स। कभी सिफिलिस गनोरिया या फिर मम्स ये सब बैक्टीरियल डिजीज हैं, बैक्टीरियास होती है, सिफिलिस भी गनोरिया भी। तो अगर इनको ठीक से ट्रीटमेंट ना किया जाए, सप्रेस हो जाते हैं, दबा दिया जाए एलोपैथिक ट्रीटमेंट से या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से भी ऐसा हो सकता है, तो अगर सप्रेस हो गया है तो सिफिलिस गनोरिया और मम्स। बुक में तो क्लियर लिखा है कि मम्स यानी जो यहां पे गाल में सूजन हो जाता है ना, पैरोटिड ग्लैंड की सूजन हो जाती है, तो मम्स का सप्रेशन होने से पुरुषों में आर्काइटिस होती है और महिलाओं में जो ब्रेस्ट है उसमें गांठ या सूजन आ सकती है। तो सप्रेशन ऑफ मम्स मे क्रिएट आर्काइटिस इन मेल, मेल में आर्काइटिस उत्पन्न करेगा, और फीमेल में स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट। तो इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं अगर सिफिलिस और गनोरिया की अगर सप्रेशन है। तो सिस्टाइटिस अगर आपकी ठीक नहीं हो रही है दवा करने के बावजूद, तो आपको सिफिलिस और गनोरिया के सप्रेशन की वजह से सिस्टाइटिस हो रही है। तो देखिए नॉर्मल तरीके से सिस्टाइटिस हो या फिर सप्रेशन की वजह से सिस्टाइटिस हो, दोनों केस में काली म्योर काम करेगा। या फिर किडनी में इन्फ्लेमेशन होगा
तो अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो डार्क कलर्ड यूरिन ड्यू टू यूरिक एसिड डिकम्पोजिशन। यूरिक एसिड जब पास होता है तो डिकम्पोज होने लगता है, और जब डिकम्पोज होगा तो ब्लैक कलर या ग्रे कलर का हो सकता है। इसका मतलब कि जो किडनी है उसमें इन्फ्लेमेशन है। और मम्स, अंडकोश में अगर सूजन है, दवा करने के बावजूद ही ठीक नहीं हो रहा है, दवा करने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको सप्रेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो आर्काइटिस है उसकी लिए एक नहीं कई दवाइयां हो सकती हैं, होती हैं। लेकिन ये दवा तब काम करेगी जब सप्रेशन की वजह से आर्काइटिस हो रहा है, और सप्रेशन किसका, मम्स का, या फिर अल्सर है आस और सर्विक्स में, ये भी नहीं ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब सप्रेशन की वजह से हो रहा है। तो देखिए यहां पे जो ये लक्षण लिखे हैं तो और कई दूसरे मेडिसिन से भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन यहां पे ये जो करेक्टर है अगर सप्रेशन की वजह से आ रहा है तो आपको काली म्योर 3x पावर के लेना पड़ेगा। सिंपल सा यूज करने का तरीका है, काली म्योर के छोटे छोटे टैबलेट्स आते हैं, आप उसको ले लीजिए, और काली म्योर 3x के टैबलेट्स को 4 टैबलेट्स 3 टाइम जीभ पर रखिए, तो जीभ पर रखने से अच्छा काम करता है। तो इस तरह से आप इन बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसी तरीके का और बेहतरीन पाने के लिए वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।